संशोधक व वैज्ञानिकांना भेडसावत असलेल्या अडचणी व समस्या लवकरात लवकर दूर होतील असा विश्वास व्यक्त करीत संशोधक व वैज्ञानिकांनी आपले कार्य मात्र अव्याहतपणे सुरूच ठेवावे असे आवाहन सरसंघसंचालक डॉ मोहनजी भागवत यांनी केले. सेंट्रल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सच्या संशोधन विभागातील नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेसिंग सायन्स सायंटिस्ट अँड सोसायटी विंगचे लोकार्पण तसेच न्यूजलेटरचे प्रकाशन सरसंघसंचालक डॉ भागवत यांच्या हस्ते झाले. ज्ञान का उपयोग लोगों के लिए और ज्ञान में शोध जिससे ज्ञान बढ़े, दोनों प्रक्रियाएं बंद हो और इससे चलते हम विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान के क्षेत्र में पीछे रहे. स्वतंत्रता मिली तो हमको आगे आना था, हमने किया भी, लेकिन क्या किया हमने कि ज्ञान खोजने के बाद दुनिया करे, हम वो जो करते हैं वो लेंगे. इसका एक कारण यह भी था कि इतने साल के आक्रमणों में लड़ते लड़ते और अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति से जो गुलामी का प्रभाव हमारे मन पे था, हम ये सोचे ही नहीं सकते थे कि हमारे यहाँ ये हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, हमारी वो क्षमता है. ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे वाक्य मैंने सुने तो देखो कितना आगे हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो नहीं. और इसके चलते जो सारी आज मेरे सामने समस्याएं बताई है उसी के चलते आई है. हमारे देश में भी ज्ञान की परंपरा है, हम भी नया ज्ञान खोजने की क्षमता रखते हैं, हमको ये करना चाहिए, ज्ञान बढ़ाना चाहिए और ज्ञान सारी दुनिया को देना चाहिए, क्योंकि साधु लोग सज्जन लोग ज्ञान का देने का उपयोग वही करते हैं. उनको विद्या प्राप्त हुई तो दुनिया का ज्ञान बढ़ाते हैं, उस विद्या का उपयोग लोग कल्याण के लिए करते हैं. तो ये हमको करना है, इसका बोध होने में कई साल चले. पिछले 21 साल से 25 साल से कहिए ज्ञान के क्षेत्र में और धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे. पहले नहीं, स्वतंत्रता के समय में भी लोग थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे लोग थे, डॉक्टर मन जैसे लोग थे जो इस दिशा में समाज आगे बढ़े इसका प्रयास कर रहे थे. धीरे धीरे शासन भी उसके अनुकूल हो गया. लेकिन जोर से ये बात सामने तब आई जब मिसाइल मैन आ गए